दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा इंटरेस्टिंग मूवी जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप सोचेंगे कि रियल लाइफ में भी ऐसा हो सकता है क्या। कहानी की शुरुआत एक खौफनाक एम्बुलेंस से होती है जिसके अंदर एक प्रेग्नेंट लेडी खून से लथपथ बेहोश पड़ी है। डॉक्टर उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हॉस्पिटल पहुंचते ही एम्बुलेंस का दरवाजा खुलता है और एक भयानक दृश्य सामने आता है। वो महिला अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी होती है और बेरहमी से लोगों को काट रही होती है। एक जनरल अपने सभी सिपाहियों को बोलता है कि ये खतरनाक वायरस है जो कि पूरी दुनिया में फैल रहा है और लोगों को ज़ॉम्बी में बदल रहा है। ये एक भयानक बौर है मरे हुए लोग और जिंदा लोगों के बीच में। दोस्तों इस मूवी का नाम है रेडकॉन। जनरल अपने सिपाहियों को वायरस के खतरे से अंदेशा करा देता है। वो बताता है कि ये वायरस सीधा दिमाग पर हमला करता है। पहले तो उल्टी, बुखार, सर्दी और खांसी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं और फिर इंसान वायलेंट होने लगता है। ये वायरस एक साइंटिस्ट जूलियन ने बनाया था। वो एक कैदी जिमी पर एक प्रयोग कर रहा था, तभी जेल में भगदड़ मच जाती है और उस भगदड़ के साइड आके जिमी अपने बेस्ट फ्रेंड गर्विट को एक चेन देकर भागने में हेल्प करता है। पुलिस जिमी का पीछा करती है और उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करती है। खुद को बचाने के लिए जिमी एक कार में बैठी प्रेग्नेंट लेडी को पकड़ लेता है और उसे गोली मारने की धमकी भी देता है, लेकिन वो लेडी बहादुरी से जिमी के हाथ को काटकर पुलिस की तरफ भाग जाती है। वो कोई और नहीं बल्कि कैप्टन की पत्नी है। अब जिमी का वायरस उस लेडी में भी फैल जाता है। फिर तेज हवा की तरह वो वायरस पूरे शहर में फैलने लग जाता है। इस वायरस का ऑर्डिनेटर को साइंटिस्ट जूलियन क्वारंटाइन जो जोन में फंसा हुआ है उसको लाकर वैक्सीन लेना है, जो कि इस मिशन का गोल भी है। जून की मदद से क्वारंटाइन जोन की तरफ जाते हैं, पर वहाँ पर कोई नहीं होता। सिर्फ रास्ते में खून भरी डेड बॉडीज नजर आती है। रूट के उस साइड बहुत सारे ज़ॉम्बी बच्चे नजर आते हैं। ज़ॉम्बी रूटीन कभी नहीं भूलते हैं, वैसे ही बच्चे भी एक दूसरे की तरह खेल रहे होते हैं। पर ज़ॉम्बी जिस तरह डेड बॉडी से फ्लैश उठाते हैं वह बहुत भयानक है। वो सारे बच्चे जॉगिंग स्कीपिंग कर रहे होते हैं। उनकी आठ सुन बहुत सारे ज़ॉम्बीज भाग जाते हैं, इस वजह से वे अपनी गन से अटैक कर रहे हैं। पर ज़ॉम्बीज भारी तादाद में आगे आ रहे होते हैं। खुद की जान बचाने के लिए सोल्जर्स दूसरी तरफ भाग जाते हैं और वहीं एक गाड़ी नजर आती है। वो सोचते हैं कि चलने से बेहतर गाड़ी का यूज करना सेफ होगा। ये सोच सभी उस गाड़ी में बैठ जाते हैं। रास्ते में कुछ लोग एक घर से कुछ चुराते हुए नजर आते हैं। वो सोल्जर्स की तरफ गन शॉट करने ही वाला होता है कि तभी सोल्जर उसे मार देता है। स्क्वाड टीम क्वारंटाइन स्पॉट की ओर बढ़ती है। वहाँ एक बिल्डिंग में मिलिट्री जनरल ज़ॉम्बी पर टेस्टिंग कर रहे हैं। उनमें से एक बच्चा भी है जो जनरल का बेटा है। टीम क्वारंटाइन बिल्डिंग ढूंढ लेती है और अंदर जाने पर पता चलता है कि ढेर सारे ज़ॉम्बीज ड्रग्स लेकर मस्ती कर रहे हैं। फिर सोल्जर्स एक एक करके उन्हें गोलियों से उड़ाकर अंदर की तरफ बढ़ते हैं। गोलियों की आवाज से ज़ॉम्बीज भागते हुए टीम पर हमला कर देते हैं। सोल्जर्स डटकर जवाब देते हैं। इसी बीच एक ज़ॉम्बी टीम के एक सदस्य पर हमला करता है और वो भी अपनी जान की परवाह किए बिना। वह अपनी जान की परवाह किए बिना सबको बचाने के लिए ज़ॉम्बी के साथ अकेला चला जाता है। बाकी टीम ज़ॉम्बी को मारकर घायल सदस्य को लेकर साइंटिस्ट के कमरे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ सरप्राइज मिलता है दोस्तों, क्योंकि साइंटिस्ट वहाँ से भाग चुका है। टीम घायल सदस्य को बचाने के लिए जूझ रही है। सभी का मानना है कि अगर वे साइंटिस्ट को ढूंढ ले तो उनके पास वैक्सीन होगी और वे घायल लोगों को बचा पाएंगे। लेकिन फ्रैंक नाम का एक टीम का सदस्य कहता है कि संक्रमित व्यक्तियों को साथ रखना खतरनाक है। वो उसे गोली मारने ही वाला होता है कि बाकी लोग उसे रोक लेते हैं। फिर संक्रमित व्यक्ति खुद को फ्रैंक की बात मानकर बंदूक लेकर खुद ही को गोली मार लेता है। दो स्कूली लड़कियां जो इस भयानक वायरस से बचने के लिए संघर्ष कर रही हैं, सड़क पर चल रही हैं। चारों तरफ ज़ॉम्बी के लाश इधर उधर बिखरे पड़े हैं। वो डरते हुए धीरे धीरे क्वांटम सपोर्ट से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, जो जेल जैसा ही एक स्थान है। इसी बीच जेल से भागे कैदी एक समूह बना लेते हैं और उस जगह पर उनका ही राज होता है। उनके ग्रुप के एक मेंबर को मिलिट्री स्क्वाड द्वारा मार दिया जाता है। गैंग लीडर गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और कसम खा लेते हैं कि वह मिलिट्री स्क्वाड को जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ मिलिट्री स्क्वाड को साइंटिस्ट का रिकॉर्ड किया हुआ आखिरी वीडियो मिलता है। वीडियो में साइंटिस्ट कहता है कि संक्रमित सेना के सैनिक उसकी जगह पर हमला कर रहे हैं और सभी जिंदा लोगों को वहाँ से ले जा रहे हैं। दो लड़कियाँ अपनी जान बचाने के लिए एक शॉपिंग मॉल में छिप जाती हैं। वहाँ उन्हें साइंटिस्ट दिखाई देता है जो कुछ खाने पीने की चीजें खरीद रहा है। इसी बीच ज़ॉम्बी सोल्जर साइंटिस्ट की तलाश में आगे बढ़ते हैं। एक जगह उन्हें बहुत गंदी बदबू आती है और वो देखते हैं कि डेड बॉडीज का ढेर वहाँ पड़ा हुआ है। जैसे ही वे मुड़ते हैं ज़ॉम्बी सेना आम गाड़ियों में आने लगती है। स्क्वाड टीम समझ जाती है कि उनके पास कम हथियार है और वे गोलियां बर्बाद नहीं कर सकते, इसलिए वे डेड बॉडीज के साथ ही लेट जाते हैं। तभी ज़ॉम्बी सैनिकों में से एक डेड बॉडीज के करीब आता है और पैरी नाम का एक स्क्वाड का सदस्य को खींच लेता है। पैरी मैप ट्रैकिंग कर रहा था। थके हुए ज़ॉम्बी जिनमें वे पहले मिले थे वे बिना दिमाग वाले सिर्फ वायलेंटर थे, लेकिन ये ज़ॉम्बी सैनिक अच्छी तरह से कम्युनिकेशन करते हैं और अपने रूल्स को अच्छी तरह से फॉलो भी करते हैं और एक एक्चुअल सेना की तरह बिहेवियर करते हैं। ये सब उनके कॉन्शियस माइंड में सेव था। ज़ॉम्बी सैनिक सभी को एक कंटेनर में धकेलना शुरू करते हैं। उसी कंटेनर में स्कूल की लड़कियां और वैज्ञानिक भी मौजूद हैं। पैरी अपनी टीम को इन्फॉर्म करता है कि साइंटिस्ट इसी भीड़ में छुपा हुआ है। स्क्वाड टीम ज़ॉम्बी सैनिक की तरह कपड़े पहनकर कंटेनर के एंट्रेंस पर खड़े ज़ॉम्बी को मारकर अंदर जाते हैं और सैनिक को गन दिखाते हुए बाहर आने को कहते हैं, लेकिन वो मना कर देता है। तभी एक सोल्जर इसी बीच मरने का नाटक कर साइंटिस्टों को घुमा देता है। अब साइंटिस्ट को पकड़कर दूसरी जगह ले ही जाते हैं कि तभी वहाँ स्कूल की लड़की पूछती है कि उसे क्यों ले जा रहे हैं।
हमें भी लेकर जाओ। और स्क्वाड टीम उन्हें भी साथ ले जाने का फैसला करती है। साइंटिस्ट की जेब में एक ट्रैकर डालकर वे सभी को सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। स्क्वाड टीम का एक सदस्य फ्रैंक कहता है कि उनका मिशन केवल साइंटिस्ट को बचाना था और बाकी लोगों को बचाना गलत था। गोलियों की आवाज सुनकर ज़ॉम्बी सेना आ जाती है और सभी सामान्य लोगों पर गोलीबारी शुरू कर देती है। अब दोनों सेनाओं के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ स्क्वाड सदस्य साइंटिस्ट को लेकर जंगल में भाग जाते हैं, ये सोचकर कि साइंटिस्ट को बचाने से उन्हें वैक्सीन मिल सकती है। फ्रैंक बाकी लोगों को झूठ बोल देता है कि कैप्टन भी मारा गया है और वो साइंटिस्ट को सुरक्षित जगह ले जा रहे हैं। इस तरह कैप्टन खुद को बचाने के लिए अकेला रह जाता है। ज़ॉम्बी बड़ी लड़की पर हमला करते हैं और छोटी लड़की उसे पीछे से मार रही होती है। तभी स्क्वाड की एक लेडी मेंबर उस लड़की को बचाने के लिए एक पत्थर से ज़ॉम्बी के सिर पर जोर से मारती है। सारा खून पोंछती है और लड़की को अपने साथ ले जाती है। एक टीम मेंबर कैप्टन से कहता है कि वह सब चले जाएं और वह खुद ज़ॉम्बी से निपटेगा। स्क्वाड टीम से एक कपल मदद मांगते हैं। वे कहते हैं कि उनकी कार खराब हो चुकी है। ये देखकर फ्रैंक गुस्सा हो जाता है। वो बिना सोचे समझे लड़की पर गोली चला देता है और लड़की पर भी गोली चलाने वाला था, लेकिन पीछे से रिवन नाम का एक स्क्वाड का सदस्य पूछता है कि वह क्यों निर्दोष लोगों पर बेरहमी से गोली मार रहा है। फ्रैंक जवाब देता है कि उनका मिशन साइंटिस्ट को बचाना है, यह एक वॉर है और मिशन के अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है। इस बात पर दोनों स्क्वाड मेंबर्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। दूर से चोरों का ग्रुप ये सब देख रहा है। इस मौके का फायदा उठाकर वे सभी को मारना चाहते हैं, लेकिन रॉबर्ट अपनी जान देकर सबको उस जगह से हट जाने का इशारा दे देता है, जिससे सभी की जान बच जाती है। साइंटिस्ट रॉबर्ट को अपने लैब में ले जाता है और कहता है कि वह उसकी टेस्टिंग होगी। पीछे से फ्रैंक जोर से साइंटिस्ट पर किक मार देता है और कहता है कि साइंटिस्ट की वजह से ही उनकी टीम के मेंबर्स को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। अब दूसरी तरफ साइंटिस्ट भी गुस्से में मारने लगता है। तभी कैप्टन स्क्वाड उस ट्रैकर की मदद से वहां पहुंचता है और साइंटिस्ट को मार खाते हुए देख लेता है। फ्रैंक छोटी बच्ची को देखकर फिर से चिढ़ जाता है और कहता है कि अगर वे मिशन पर ही ध्यान देते तो उनकी टीम के सदस्य नहीं मरते। ये सुनकर कैप्टन गुस्सा हो जाता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। फ्रैंक को एक कमरे में बंद कर देता है और फिर साइंटिस्ट के साथ अपनी जांच शुरू कर देता है। साइंटिस्ट बताता है कि उसने एक म्यूटेंट अंडा खोजा है जिसे सेना के मेंबर्स में इंजेक्ट करने से उन्हें ज्यादा शक्ति मिलेगी। वह सभी सैनिकों के शरीर में इंजेक्ट करता रहता है, इसलिए वह संक्रमित सेना पूरी तरह से ज़ॉम्बी में नहीं बदलती। उनके जेनेटिक्स में कुछ बदलाव आ जाता है। ये वैक्सीन जिमी नाम के कैदी को लगाया गया था, लेकिन जेल में भागदौड़ के बीच में वह बच गया। जब वह पुलिस से बचने के लिए प्रेग्नेंट लेडी पर गोली चलाने की कोशिश करता है तो गलती से उस लड़की के काटने से उसमें वो वायरस फैल जाता है और इसी वजह से ये दुनिया इस भयानक हाल में खड़ी हो गई है। वो प्रेग्नेंट लेडी और कोई नहीं बल्कि कैप्टन की पत्नी है। फिर छोटी बच्ची सोते समय बुरा सपना देखकर चीख पड़ती है और कैप्टन के गले लग जाती है। कैप्टन को भी उस बच्ची से लगा महसूस होने लगता है और फ्रैंक के पास जाकर कहता है कि अब उन्हें मिशन पर ही ध्यान देना चाहिए और बिना लड़े काम करना बेहतर होगा। इधर गीरा और उसका बॉयफ्रेंड साइंटिस्ट को किडनैप कर अपने साथ ले जाते हैं। उन्हें यकीन था कि वैज्ञानिक के पास जरूर कोई वैक्सीन होगी जिससे वे बच सकते हैं। पीछे कैप्टन आ जाता है और कहता है कि साइंटिस्ट को छोड़ दो। साइंटिस्ट कहता है कि मेरे पास कोई वैक्सीन नहीं है। इतने में चोरों की गैंग उन पर हमला करने लगती है और दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो जाती है। स्क्वाड टीम धीरे धीरे एक कार में घुसने लग जाते हैं। आखिरी में फ्रैंक भी बच ही जाता है। फ्रैंक सोचता है कि कोई उन्हें नहीं बचा पाएगा, लेकिन कैप्टन उन्हें बचाकर किसी दूसरी जगह ले जाता है। थोड़ा आगे जाकर गीरा और उसका बॉयफ्रेंड कार से उतर जाते हैं। वे सोचते हैं कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी सेना के लिए गुजार दी है तो क्यों ना आखिरी कुछ पल अपने लिए जिए। दोनों कपड़े बदलकर थीम पार्क में कपल्स की तरह घूम रहे हैं। इधर जनरल को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि साइंटिस्ट पकड़ा जा चुका है। वह तुरंत एक हेलीकॉप्टर में उस जगह पर पहुंचता है। उसी समय साइंटिस्ट अपनी जेब से एक छोटी सी खिताब निकालकर कैप्टन को देता है और कहता है कि अगर उसे कुछ हो गया तो एक खिताब काम आ सकती है। जनरल वहां पहुंचते ही फ्रैंक को एक तीखी नजर से देखता है। फ्रैंक कैप्टन से बंदूक छीन लेता है। जनरल साइंटिस्ट के करीब जाकर उसके माथे पर सीधे गोली ही मार देता है। कैप्टन सोचता है कि ये साइंटिस्ट अब बिगड़ा काम ठीक कर सकता था, लेकिन जनरल ने सब कुछ खराब कर दिया। हैरी अपने रिसर्च वर्क को लेकर वहाँ से चला जाता है। कैप्टन उस जनरल से एटलस नामक एक छोटी बच्ची को अपने साथ ले जाने की परमिशन मांगता है, लेकिन जनरल उसे मना कर देता है। फ्रैंक को गुस्सा आता है कि जनरल सब कुछ छोड़कर जा रहा है। तभी बाजू में खड़े एक सैनिक फ्रैंक के पैर पर गोली मारता है। कैप्टन उसकी मदद करता है और वहाँ से भागकर सभी ज़ॉम्बी से बचाने की कोशिश करता है। तभी छोटी बच्चे के हाथ से उसकी गुड़िया गिर जाती है और ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। बच्ची किसी तरह कैप्टन के साथ आती है। फ्रैंक बाकी लोगों को जाने को कहता है और ज़ॉम्बी को एक एक करके मारने लगता है, लेकिन जल्दी सारे ज़ॉम्बी फ्रैंक पर हमला करते हैं। बाहर आते कैप्टन पैरी पर हमला करता है और उसे मारने लगता है। वो कहता है कि सभी ने उससे पीठ पीछे बातें छिपाई और अपनी गलती का एहसास कर माफी मांगने लगता है। कैप्टन उसे छोड़कर चला जाता है। थोड़ी देर बाद छोटी बच्ची पूछती है कि क्या कैप्टन उसे भी छोड़ देगा। तभी कैप्टन को पता चलता है कि उसके हाथ में ज़ॉम्बी का काटने का निशान है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। दोनों एक जगह पर आराम करने लगते हैं। कैप्टन को सपने में उसकी पत्नी और बच्चा दिखाई देते हैं। अंत में वो देखता है कि वह छोटी बच्ची ज़ॉम्बी बनकर उस पर हमला ही कर देती है। उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ एक सपना था। वह धीरे से उठता है और उस बच्ची को गोली मारने का सोचता है, लेकिन उसका दिल नहीं मानता, इसलिए उसे वह अकेला छोड़कर चला जाता है। यह पैरी को सर्वाइवल टीम चेक करती है और पता चलता है कि वह संक्रमित नहीं है, इसलिए वे उसे अपने साथ ले जाते हैं। कैप्टन कार स्टार्ट कर रहा होता है। कार स्टार्ट करने की आवाज से बच्ची कार के पीछे आकर रुक जाती है। उसके पीछे एक ज़ॉम्बी आ रहा है। कैप्टन उस बच्ची से इतना लगाव महसूस करता है कि वो फिर से उसे बचाने के लिए चला जाता है।
वो बच्ची से सॉरी कहता है और वो कहता है कि वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इतने में वहाँ चोरों की गैंग आ जाती है। वे बातें कर रहे होते कि ज़ॉम्बीज के शहर पर वॉर्म डालना होगा तभी वे वायरस को रोक सकते हैं, लेकिन जनरल मना कर देता है। वो कहता है कि उन्होंने उस साइंटिस्ट की मदद से उन आर्मी सोल्जर्स पर टेस्टिंग की थी ताकि वे एक्स्ट्रा पावर स्किल्स के साथ रहे। ये प्लान बिल्कुल ठीक चल रहा है। ज़ॉम्बी आर्मी उनकी आर्मी से बहुत ज्यादा पावरफुल है। ज़ॉम्बी आर्मी को मारे बिना सिर्फ कंट्रोल करने में ही देश के लिए ठीक होगा, लेकिन दूसरे लोग कहते हैं कि इंसानों की जान सबसे इम्पोर्टेंट है। इधर चोरों के गैंग उस कैप्टन को एक मुर्गी को ग्रिल करने की तरह टांग देते हैं। चोर गैंग लीडर कैप्टन से पूछता है कि वहाँ यह किस लिए आया है भाई। कैप्टन कहता है कि यह मिलिट्री मिशन है और यह सीक्रेट रखा जाता है। गैंग लीडर कहता है कि तुम सब मिलिट्री के लोग ऐसे ही होते हो क्या, हर एक कैदी में कुछ ना कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं। वो बच्ची को देखकर कहता है कि उसे मार देना चाहिए, वह इन्फेक्टेड हो चुकी है, लेकिन कैप्टन कहता है कि उसे छोड़ दो, उसे मत मारो। अब गैंग लीडर कैप्टन को बंदूक देकर कहता है कि या तुम जिंदा रह सकते हो या वो लड़की, तुम खुद फैसला कर लो। वो खुद को शूट करने ही वाला था। यह देखकर वह चोर हाथ से बंदूक ले लेता है और उसे उस छोटी बच्ची के हाथ में दे देता है। बंदूक हाथ में लेते ही वो कैप्टन से माफी मांगने लगती है और कहती है कि वह कैप्टन के बिना जिंदा नहीं रह सकती। तभी चोर उस बच्ची के गले में एक चेन देखकर पूछता है कि ये चेन तुम्हें कहां से मिली। वह कहती है कि ये चेन उसके डैडी ने उसे दिया था। फिर चोर पूछता है कि उसके बाप का नाम क्या है। वो बच्ची जवाब देते हुए कहती है जिमी। जिमी का नाम सुनती ही वह बच्ची को गोद में लेकर सबको कहता है कि ये हमारे जिमी की बेटी है। जिमी का बेस्ट फ्रेंड ही चोरों का लीडर है। इधर जनरल बहुत परेशान है। वो बम ब्लास्ट के प्लान से ज़ॉम्बी आर्मी को अपने कंट्रोल में ले सकता है और ये साबित करने के लिए वो खुद ही ज़ॉम्बी इंजेक्शन ले लेता है। कैप्टन कहता है कि ज्यादा दिन हम यहाँ नहीं रह सकते और वो वहाँ से निकलने का रास्ता पूछता है। फिर वो एक मैप देखकर कहता है कि 20 माइल्स की दूरी पर एक बॉर्डर है, वह बहुत सारे सोल्जर्स होंगे, क्वारंटाइन जोन से बाहर निकलना इतना आसान नहीं होगा। कैप्टन कहता है कि बॉर्डर के आसपास बहुत लोग होंगे, उनके जरिए हम बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। कैप्टन चोरों को भी बुलाता है पर वे जवाब देते हैं कि हम जेल के कैदी हैं, वैसे भी हमें बॉर्डर को पार करवाने के बाद जेल में फिर से डाल दिया जाएगा। कैप्टन और बच्ची वहां से निकल जाते हैं। बीच रास्ते में कार रोककर वहां उस वॉकी टॉकी से अपने आने की सूचना देने की कोशिश करते हैं। फिर वह उस छोटी बच्ची के साथ खेलने लगता है। खेलते वक्त वह बच्चे के हाथ में देखता है कि ज़ॉम्बी के काटने का निशान बना था जो बिल्कुल सूख चुका है। ये देखकर वह हैरान रह जाता है और साइंटिस्ट की दी हुई बुक खोलता है। उसमें वैज्ञानिक ने लिखा है कि वह बच्चे ही इस वायरस का वैक्सीन है, उसकी नेचुरल इम्यूनिटी होने के कारण हमने जिमी को वैक्सीनेशन के लिए चुना था। उस बेटी इस बीमारी की वैक्सीन बनेगी, उसको सेफ करने के लिए ही साइंटिस्ट उस बच्चे के पीछे ही रहा होगा। किसी भी तरह मुझे इस बच्चे को क्वारंटाइन जोन से बाहर ले जाना पड़ेगा। वॉकी टॉकी की मदद से कैप्टन जनरल को इन्फॉर्म करता है कि वैक्सीन मिल गई है, जिसके जवाब में जनरल कहता है कि थोड़ी देर में वो क्वारंटाइन जोन को वर्म से उड़ा देंगे, तुम वैक्सीन ढूंढो या मरो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर कैप्टन गुस्से में आ जाता है और बॉर्डर की ओर चलता रहता है। कैप्टन का हाथ छुड़े वह बच्ची भागने लगती है, तभी उसने वहाँ जमीन पर हाथ पैर कटे ज़ॉम्बी को देखा। कैप्टन समझने लगता है कि उस जगह ज़ॉम्बी ना आए इसलिए वहाँ थोड़े बॉम्ब खोद कर रखे गए हैं। थोड़ी देर में वहाँ ज़ॉम्बी आने लगते हैं और वह उस जगह में फंस जाती है। कैप्टन उसे बचाने धीरे धीरे उसकी ओर आता है। ज़ॉम्बी इस बॉम्ब से फटने लगते हैं। यह नजारा दूर से देख सर्वाइवल टीम इन दोनों को बचाकर ले जाती है। कैप्टन सबसे कहता है कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट होने ही वाला है, लेकिन कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। अधिक लोगों को ज़ॉम्बी के बीच से नहीं ले जा सकेगा, आर्मी हमें बचाने आएगी। फिर कैप्टन पूछता है कि इतने दिनों से आप लोग यहाँ पर हो, क्या किसी ने रिस्की फ्लाइट देखी है। आर्मी का मिशन है ज़ॉम्बी को मिटाना, इस बीच हम जैसे लोग अगर मर भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने वैक्सीन ढूंढ ली है, मैं बॉर्डर की ओर जा रहा हूँ। वह सोचते है कि उसके हाथ से जाने से ही सुरक्षित होगा। बाहर आकर देखा तो ज़ॉम्बी का ढेर है। अब नॉर्मल लोगों और ज़ॉम्बी के बीच युद्ध का माहौल बन चुका है, लेकिन ज़ॉम्बीज की संख्या ज्यादा होने के कारण वे हावी हो रहे थे। एक बार एक ज़ॉम्बी बच्चे पर हमला करने वाला होता है कि कैप्टन उसे बचाने दौड़ता है, लेकिन ज़ॉम्बी कैप्टन के कंधे पर जोर से काट लेता है। वह बच्चे को लेकर एक कमरे में आ जाता है और उसे पता चलता है कि वह उस वायरस से संक्रमित हो चुका है और जल्दी वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। वह उस बच्ची को बाहर जाने को कहता है लेकिन बच्ची वहां से बिल्कुल नहीं जाती। थोड़ी देर बाद कैप्टन ज़ॉम्बी बन जाता है और उस बच्चे का गला कर उसे मारने की कोशिश करता है। छोटी बच्ची कहती है मुझे मत मारिए, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरा हमेशा ध्यान रखेंगे। कि सुनते ही उस कैप्टन को सारा कुछ याद आने लगता है और वो उसे छोड़कर चला जाता है। वह सब लोगों के साथ बॉर्डर की ओर आता है। उधर जनरल उसे देखकर कहता है कि सबको मार दिया जाए। पैरी आगे आकर कहता है प्लीज जनरल इसके बाद मत मानिए, एक टाइम तक मैं भी जनरल के नीचे ही काम करता था लेकिन उसने हमें बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। मेरे पीछे बहुत सारे साधारण लोग हैं जो जान बचाने की उम्मीद से आए हैं। उसको इमोशनल देखकर सब शूटिंग रोक देते हैं, लेकिन जनरल को गुस्सा आ जाता है और वह फिर से गोली चला देता है। इतनी देर से कैप्टन शांत था लेकिन जनरल की हरकत देखकर उसे सारे पुराने दृश्य आंखों के सामने आने लगते हैं। वो तेजी से भागता है और जनरल पर हमला करता है। अब जनरल भी ज़ॉम्बी में बदल जाता है। दोनों में लड़ाई होती है। कैप्टन जनरल के सिर को इस तरह से उलट देता है जैसे एक्शन मूवी में किया जाता है। कैप्टन वायलेंट होते ही खुद पर काबू नहीं कर पाता और बाजू वाले सोल्जर्स को काट लेता है। यह देख सिपाही उसे गोली मार देते हैं क्योंकि ज़ॉम्बी को मारने के लिए सिर पर ही गोली मारना पड़ता है। पैरी पूरी श्रद्धा से कैप्टन के सिर पर गोली मारकर आगे बढ़ जाता है। दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी कमेंट कर जरूर बताइएगा और ऐसी अजब मूवीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।